सो आज मम्मी घर नहीं है और आज पापा और मैं ही चल रही है पार्टी, छोले कुलचे। सो ये इन अंकल के हमारे फेवरेट छोले कुलचे, एंजॉय करते हैं छोले कुलचे। टाइम हो रहा है फिलहाल 3:10 एंड अभी आज कोई फिलहाल व्लॉग नहीं बनाया। छोले कुलचे पापा लेके आए थे तो वो खाए हैं एंड आज जा रहे हैं मीनू दी के घर दिवाली देने, तो मैं, नकुल एंड भावेश एंड साथ में हमारा घी भी आ गया है। तो एवरी ईयर हम लोग घी लेते हैं, मम्मी मंगाती है, एक साथ ही मंगाती है, पूरा इकट्ठा ही आता है क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी 90% ऑफ द चीज़ें देसी घी में ही बनती हैं, तो हमारे घर देसी घी बहुत ज़्यादा आता है। बाकी हमारे यहाँ जो भी तेल रिफाइंड वगैरह वो सब एक एक किलो आता है, तो घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए बहुत ज़्यादा आता है। तो अब मौसी के घर से हमें घी लेके आना है, ममता मौसी के घर चलते हैं, रेडी होते हैं। मम्मी नहीं है, नकुल को भी उसके बाद हमें ममता मौसी के यहाँ से जाने के बाद हमें नकुल को ऑफिस से पिक करना है, फिर हमें मीनू दी के यहाँ जाना है। तो गाइस मैं और रितिक जा रहे हैं जिम, जिम से फटाफट से आके जाएंगे मीनू दी के घर। शुगर डन एंड इंक्लाइन नहीं किया अभी, राधिका दी नीचे आई हुई है तो मिलते हैं राधिका दी से, एंड इंक्लाइन आज कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि फिर आगे मैंने भावेश को भी बुलाया कि चल चलते हैं। तो वृति अभी वर्कआउट कर रही है, वृति आज लेग्स किया आज वृति ने, मैंने बाइसेप्स किए हैं। ओह ये कैसा सरप्राइज है भाई, मैंने कहा यार ये राधिका दी के साथ कौन बैठा, पहले मुझे लगा रमणीक भैया। कैसे हो, आ रही है वो अभी, अरे ये मेरे साथ घूमती है और ये झूठ बोल रही है। 3 बजे गाइस, 3:30 साढ़े 5 हो रहे हैं जीजा, जो आपने गाड़ी दे रखी है ना, और दो इनको गाड़ी और जितनी आप ऐश करा रहे हो ना, बिल्कुल झूठ बोल रही है। व्लॉग में यही तो फायदा, टाइम का झूठ बोल सकते नहीं, जितनी आप ऐश करा रहे हो ना, अगर हमें भी ऐसा लड़का ना दिलवाया फिर देखना। गाइस मुझे मिल रहा है गिफ्ट, तो फटाफट से अपना गिफ्ट वसूल लेते हैं। ये एक और कैसे आ गया, नहीं ये तो तुम्हारा ही है, ये वृति की है, ये लो ये वृति का है, ये वृति को देना, ये है क्या ये तो बताओ। सो गाइस गिफ्ट मिला है, बाद में देखेंगे। आऊंगी फिर, गेट खोलो, चलो ओके बाय बाय राधिका दी, बाय बाय, मिलते हैं आपसे दोबारा। चले दारू बदनाम कर दी, हाँ ये दे दो, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। भावेश ने मेरे को जाम में फंसा दिया, एक घंटे से जाम में ही है हम, एनएसपी वो भी अभी तक हम एनएसपी पहुंचे हैं, एक घंटे तो जाम में फंसी है। हाँ निकला आधा घंटा हुआ अभी। सो हमने डोमिनो से ड्राइव थ्रू कर लिया है, कहाँ है अभी भी नहीं दिखा मेरे को, तो भावेश अभी भी नहीं दिखा, लेफ्ट हैंड साइड ही है, मैं पीछे चले गए यार, मुझे ऐसा लग रहा है। पागल है क्या, लड़के के पिज्जा आ गए हैं, बैग निकाल लो, वो आए क्यों नहीं बाहर देने, क्या वो कहता उसमें नहीं होता, हमने पिकअप सेलेक्ट कर रखा था। सो हम लोग पहुंच चुके हैं सोनिका बहन के घर, सोनिका को लेने, सॉरी नकुल एंड गुल्लू को लेने के लिए। हाय आजा भाई, कितना हाय गुल्ला, हाय गुल्ला आई लव यू, मैंने चाहिए थे तुम, पता नहीं मैं भी ऑफिस से, गुल्ला गुड मॉर्निंग, ठंड लग रही है, हम कहाँ जा रहे हैं गुल्ला, हाथ अंदर हाथ अंदर, बाय गाइस, चलो चले, नहीं मैं ला दूंगा, नकुल ब्रदर डोसा खाना है, खाना है ना, मौसा जी को बोल देंगे। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं ममता मौसी के घर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में, मीनू दी के घर का हो गया कैंसिल क्योंकि मीनू दी को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया था, तो अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा घर, ममता मौसी के घर से सीधा अपने घर, तो हम मिलेंगे काशवी से। गेट बंद कर देना, कुछ 2 घंटे से इंतजार। नानी नमस्ते बोलो, रोएगी शक्ल बिल्कुल रोने वाली है। हाँ बहन क्या क्या रेडी किया तूने, बहन क्या तुम जिम में आई हो दिवाली देने आई, बहन जिम में, मौसा जी नमस्ते, भावेश
भावेश डोसा राधिमन इसी से फिटवा नकुल से ही कहेगा रहने तो मैं पी नहीं रहा बहन इसमें कितना पानी डाला है यार ये जो खुलते अरे कोई बिना फेटे बना दे नहीं अरे हम बिना फेटे भाई लग को लगना चाहिए ना राधिका दीदी के हाथ की कॉफी पीने आऊंगा दोबारा तो बहन भाई को लग रहा है बहन भाई को लग रहा है वो बेचारा फेटे जा रहा है कह रहा तू फेट ले अब खोलते ही जग पक पैसे जुड़ गया भाई काहे पेशी गुल्लू बैठ के खेल लो मासी से पूछो और ये कैसी लग रही है इसको नहीं बताना होता कैसे कपड़े पहने थे अंदर बैन बैन क्या बैन ले गुल्लू बैठ के खेल लो भागेगी अब उठ के पक्का भागेगी अब उठ के अरे आप पियानो प्ले कर लो बहन भावेश ने नाम सही रखा है काशवी का तेरा ठंडा पानी बहन तेरे मुंह पे सब तेरी तारीफ कर रहे हैं क्या करे आप क्यों स्पेशली मेरे लिए पनीर लग रहा है क्या बाकियों में नहीं लगाया तूने पनीर बस नो टमाटर पनीर लगा दो ना तेरे में बहन बाकियों कितना बड़ा हो गया बहन बाकी बेकार है तू कम बेकार है मतलब बेकार गेम कट कर दूं हां बहन कर दे ज्यादा बेटर है बेकार गेम ही है इजीली खाना मेरा पनीर वाला किसी ने उठा लिया तो भाई तुम लोगों में पनीर लगा है इसने द्वातपन किया है बहन मैं तो ये देख रहा हूँ म्यूनी अंदर कुछ ही लगा चीज़ स्लाइस ना बहन दे दे बहन मैं बैलेंस कर लूँगी आई विल बैलेंस बहन तू जैसा मर्जी बना ले इसने सुनाना ही है बहन जबरदस्ती खिला एक भाई एक ले लेना कुल बहन तू दे इसको बहन तू दे इसको ना कुछ शर्मा मत यार अपनी मौसी का घर है मैं तो डर हूँ भाई नकुल तू पहले आधा खा फिर देखो आधा और खिलाएंगे थैंक यू धक्का भाई तो करके दिखाओ तेरी वाली भी तेज है बहन बहन उसमें उंगली मार देगी यार तू तो ऐसे गंदी तरह ये ले गुल्ला हेल्दी गिफ्ट नहीं मुझे 12 ऑरेंज चाहिए गिफ्ट में बोलो गिफ्ट सब अपनी मर्जी से देते हैं आशु आशु
पहले सोचती है, बोलती रुकती रहती है, एक वर्ड को बोलती रहेगी। फ्रूटी नहीं पीते मना करेगी, फिर जब फ्रूटी ला दो तो पी लेगी। चले हाँ बहन बहन पहले इसे कटवा ले, वो से कटवा लो। हाँ वो छोटे वाला कटवा ले, मम्मी केक कटवा देना। वैसे केक कट कर दिया उसने, काश को सकती है ये। मुझे तो मौसी मम्मी यही वाला दे दो, कप वाला है ना, ये जो मेल्ट वाला कह रहे हैं। मौसी थोड़ा दो, बहुत सारा है। राधे इसको फ्रिज में रख दे, उसके बाद भाविश खिला दे एक बार इसको। ओए मुंह तो साफ किया नहीं आपने, चला अंदर गाड़ी के में टिश्यू से करेंगे। नकुल आगे ना डैशबोर्ड में टिश्यू है। गुल्लू का फेस क्लीन हो रहा है, गुल्लू इज बिजी। बहन मेरे को तो दे, ला मेरे को दे, सब मांगने आ गए। बहन ला तू मेरे को दे, बहन दे तू मेरे को दे। ये लो गुल्लू, ये एक मम्मा की है, एक पापा की है, एक गुल्लू की है, एक नानी की है, एक मेरी है, और ये बड़ी वाली भी गुल्लू की है, ड्रेस की मैचिंग। सिद्धू की, सिद्धू की गाय, इसी में से एडजस्ट कर लेंगे। देखो जरा बच्चों को किसको लेके जाऊं। चलो गुल्लू बैठो, इसको भी तो लेके चलो। ओके आप जाओ, बाय। ओ बाय काशु, काशु बाय करो, चलो बाय काशु। बाय पता है इसे, देखो नहीं पता की तू की तू मूली के परांठे खाता है। मेरे को दिमाग में नहीं था, नकुल तेरे को शर्माने की क्या नीड है, वहां बोल देता मौसा जी और दे दो। शर्म आती है अच्छा, दूसरी बार तो गया हूँ, थोड़ा तो शर्माना मैम बनता भी है। हाँ सही बात है, थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ती है शर्माने की। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, तुझे मैंने बाहर आदि को बता दिया था किचन में कि नकुल को बहुत तेज भूख लग रही है। यार ऑफिस के बाद लग जाती है बहन भूख इस वक्त तो। तो ब्रो बर्गर तू खा सकता था, एक बार बर्गर नहीं खाता। डोसा कैसा लगा? डोसा ठीक बढ़िया था, बढ़िया था। अच्छा था। वीडियो ना पीछे था। सारी वीडियो डायरेक्ट मौसा जी को भेज दी हूँ, मौसा जी वैष्णो देवी के लिए देख लेता हूँ। मौसा जी नकुल को मूली और चाहिए थी, कह रहा है कि मैंने बोला नहीं, मेरे को शर्म आ रही थी, तो आधी मूली मुझे दे देना। नकुल तू सारी, भैया सारी मूली दे दो नकुल को। सारी नहीं चाहिए भाई। नकुल मैं तेरी वीडियो क्यों बनाऊंगी, कैसे लगानी है? मैं तो कह रहा हूँ छत से नीचे तक लगा दो लाइटें। कौन सी मौसी आ रहे, चाय बना दो। बेटा उनको मत लेके आओ, उनको मम्मी कह रही है उनको मत लेके आओ। नहीं बेटा मत लेके आ, आप भी तो गुल्लू हमारे घर जाते हो, हम नहीं चले आपके घर। नहीं बेटा नहीं, मम्मी मना कर रही है। मम्मी मैं भी तो दिशा मौसी के घर जाता, तो उनको भी लेकर चलते ना। कह रही है मैं भी तो जाती हूँ दिशा मौसी के घर।
नहीं बेटा वो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं करता। बहन इसको छोड़ दे घर पे। बहन नहीं कर ले जो अपने। अरे फिर ताई को कल ऑफिस भी जाना है। हाँ तो कल कल तू कल खिला दियो इसको। चल ठीक है। मैंने तो तेरे घर के पास पहुंच गया। सुन बहन सही बता इसको स्कूल जाना है बोल रही है। वैसे स्कूल जाना है तो सॉल्यूशन है तो मैं इस हफ्ते एक दो छुट्टियां लेकर आऊंगी। नहीं नहीं भेज रहा हूं उसको तेरे घर छोड़ रहे हैं। चल ठीक है। नकुल अब बता तेरे कॉफी का क्या रिएक्शन है। राधी ने जो कॉफी पिलाई थी इस वक्त ना मेरे को नींद आ जाती गहरी। मेरे को कह रहा मूवी देखने जा। मेरी आंखों से आंसू निकल गए पर नींद नहीं निकली। सो गाइस बैक टू होम। टाइम हो रहा है 11:15 एंड हम आ चुके हैं और इतनी सारी मूली दी है मौसा जी ने कि मम्मी के मजे होने वाले हैं और कुछ ऊपर भी दे देंगे तो बहुत सारी मूली है। हमारे सब्सक्राइबर्स को भी गिव अवे कर दे मूली का। पदड़ मूली गिव अवे। तो इधर मैं पी रही हूँ गर्म पानी। पीते हैं गर्म पानी। एंड गुल्लू को हम घर ही ले आए थे क्योंकि कल थर्सडे एंड सोनिका ने बोला कि पॉल्यूशन की वजह से मैं एक दो दिन गुल्लू को नहीं भेजूंगी। फिर मैंने कहा चल ताई को भी मैंने फोन किया तो ताई का कल वो फास्ट है तो ताई कहती मैं भी कल ऑफिस की छुट्टी पे हूँ तो गुल्लू को ले आई हूँ। तो फिर हम गुल्लू को ले आए तो गुल्लू अभी ऊपर है और कल मम्मी का भी फास्ट है ताई का भी फास्ट है तो कल मोस्टली सबका फास्ट है। एंड फिलहाल मैं पी रही हूँ गर्म पानी क्योंकि मेरे को लगता है कि रात को थोड़ा सा एक तो पानी भी इनटेक हो जाता है फिर अगर कुछ गंदा वंदा खाया तो वो भी सारा मतलब मेरे दिमाग में रहता है। जैसे इफ़ यू हैड चीज़ तो मुझे लगता है गर्म पानी से सारी मेल्ट हो जाएगी ईजिली या मैदा वैदा खाई है तो मतलब वो ईजिली मेल्ट होके डाइजेस्ट होके नहीं आ पार हो जाएगी तो इसलिए मैं गर्म पानी पी लेती हूँ एंड पानी भी इनटेक हो जाता है। पीते हैं गर्म पानी। एंड मंडे को हम शायद रख रहे हैं पल्लवी दी के घर दिवाली पार्टी तो एंजॉय करेंगे पल्लवी दी की अगर दिवाली पार्टी। एंड बहुत टाइम से हम सारे फ्रेंड्स एक साथ गैदर नहीं हुए हैं तो मैं तनु दी को बोला है मेरे को कोई आउटफिट दे दो कुछ तनु दी से बनवाते हैं बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी।